नमस्कार, आप अपने समक्ष एक विशाल और गोल आकृति को देख रहे होंगे। यह पटना का प्रसिद्ध गोलघर है। इस गोलघर का निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था और इसमें अनाज रखने का काम होता था। ये गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रारंभ में इस पर चढ़ने की भी व्यवस्था थी। अभी भी 147 सीढ़ियां हैं यहाँ, लेकिन सुरक्षा के कारणों से इन सीढ़ियों को बंद कर दिया गया है। और जब आप इस पर से चढ़ के देखेंगे तो पूरे पटना और गंगा का विहंगम दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। उसके ठीक सामने अगल बगल चारों तरफ बहुत ही सुंदर पार्क विकसित किए गए हैं। बहुत से लोग जाड़े के इस समय में पार्क में बैठकर उसका आनंद उठा रहे हैं। बच्चे, बहुत सी महिलाएं इसे देखने के लिए आ रहे हैं। कुछ बच्चे इस तरफ क्रिकेट का लुत्फ़ उठा रहे हैं। जाड़ा का ये बहुत ही सुहावना समय, धूप निकला हुआ, जाड़ा कुछ कम होता हुआ। पुनः आप गोलघर के इस कलाकृति को देखिए, किस ढंग से इसे बना गया है और कहीं भी इसमें जोर नहीं है। आप सोचिए, उस समय के इंजीनियर, उस समय के कारीगर कितने कुशल रहे होंगे जिन्होंने बगैर जोर के ही इस पूरी कलाकृति को बना डाला। पटना बिहार के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र। पटना आने वाले लोग, पर्यटक, विदेशी इसको जरूर देखते हैं और आह्लादित होते हैं। हो भी क्यों नहीं, आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में सुंदर सुंदर मकान बनाए जाते हैं, लेकिन जिस ढंग से इतना विशाल और गोल आकृति है यह, वह अपने आप में अद्वितीय है। और सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न होता है कि गोलघर कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर है गोलघर पटना में स्थित है। पटना जो कि बिहार की राजधानी भी है और बिहार का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ विधानसभा, सचिवालय और राज्य सरकार के अन्य कार्यालय अवस्थित हैं। इनकी गिनती बड़े ही नगरों में की जाती है। पुराने समय में इसका नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।